गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. तो लास्ट वीडियो वी हैव स्टार्टेड विद द चैप्टर कॉल्ड एज केमिकल कैनेटिक, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. तो इन दैट लेक्चर वी हैव टॉक अबाउट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट. हमने केमिकल कैनेटिक की वी हैव टॉक अबाउट द डेफिनेशन के कैसे जो है ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम रिएक्शन की स्पीड को, उनके मैकेनिज्म को और कौन से फैक्टर्स उनको अफेक्ट करते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे. तो और इसके अलावा हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ सीखा, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की. और उसमें ये भी बताया था कि पैसेज ऑफ टाइम के साथ रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करती है और प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है. तो ये मैंने एक मिनट में आपको रीकैप करवा दिया कि हमने पिछली वीडियो में क्या करा. तो आज हम सेकंड लेक्चर पे हैं. इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स. यानी कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है, एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, तो उसमें हमने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है. डिसअपीयरेंस इसलिए क्योंकि जब रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट तो डिसअपेयर ही हो जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, अपेयर होगा. तो एक रिएक्शन है जिसमें टू डाइनाइट्रोजन पेंटोक्साइड आपको फोर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दे रहे हैं. तो इसको रेट ऑफ डिसअपेयरेंस डाइनाइट्रोजन पेंटोक्साइड का लिखना है इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन टाइम. जैसे कि आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अपॉन टाइम के इक्वल होता है. और जो साइन है नेगेटिव या पॉजिटिव लगते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि ये रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है. तो चूंकि N2O5 एक रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करती है, तो यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन लगा दिया. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अब यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि ये जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की, इसको स्टीचोमेट्री के साथ डिवाइड कर देना है. यानी कि N2O5 की स्टीचोमेट्री 2 है तो हमने लिखा है 1/2 D, यानी कि चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम. यानी टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करती है. ठीक है, तो ये स्टीचोमेट्री के साथ आपने डिवाइड करना है. बाकी नेगेटिव साइन तो यही इंडिकेट करता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज कर रही है. आगे हम प्रोडक्ट पे आ जाते हैं. अगर हमने रिएक्टेंट के लिए डिसअपीयरेंस वर्ड यूज़ किया है, प्रोडक्ट के लिए हम अपीयरेंस भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेशन भी यूज़ कर सकते हैं. तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू +1/4. यानी इसकी स्टीचोमेट्री 4 थी तो हमने इसको NO2 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को 4 से डिवाइड कर दिया. अपॉन DT तो लिखना ही है. आगे चलते हैं ऑक्सीजन पे. तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू प्लस, यहाँ पे कोई स्टीचोमेट्री नहीं है यानी कि 1 है, 0 तो नहीं है, 1 है. तो यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 से तो नहीं डिवाइड करेंगे. डी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अपॉन DT. आई एम श्योर के ये आपको क्लियर हो गया होगा. इसको इक्वेट भी कर सकते हैं, जो मैं सेम रिएक्शन के लिए आगे जाके इक्वेट करूँगा. क्योंकि जितना रिएक्टेंट डिसअपेयर होता है प्रोडक्ट उतना ही क्या होता है, अपेयर होता है. तो लेट्स सी हाउ दिस हैपन्स. तो बच्चा ये वही इक्वेशन है जो हमने पीछे लिखी थी. अब हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय 2 एंड रिएक्टेंट की डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय DT ऑल्सो विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑफ कोर्स. एंड इसके आगे नेगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि डाइनाइट्रोजन पेंटोक्साइड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट है तो डिक्रीज करेगी, नेगेटिव साइन. इज इक्वल टू, यहाँ पे अब इज इक्वल टू लगा देंगे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन. प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन NO2 को
स्क्वायर ब्रैकेट में ले लिया अपॉन dt कर दिया, और स्टीचोमेट्री इसकी 4 है, 1 बाय 4 से मल्टीप्लाई कर दिया या 4 से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू डी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt. आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू. एक और एग्जांपल ले लीजिए, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन वी गेट 2 अमोनिया. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, नाइट्रोजन की स्टीचोमेट्री 1 है, ये रिएक्टेंट है, माइनस डी नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस 1/3, क्योंकि ये भी जो है रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट की जो स्टीचोमेट्री है, रिएक्टेंट की जो स्टीचोमेट्री है उसके साथ रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को डिवाइड करना है अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस, क्योंकि अब हम प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, प्लस 1/2 डी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन डी टी. आई एम श्योर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. आगे हम क्या करते हैं कि लेट्स डू, हम एक कम्प्लेक्स सा रिएक्शन लिख लेते हैं, 5 ब्रोमाइड प्लस ब्रोमेट ऑयन प्लस 6 हाइड्रोजन 3 ब्रोमीन प्लस 3 वाटर, इसमें सबकी स्टीचोमेट्रीज हैं. तो रिएक्टेंट ब्रोमाइड है तो उसके आगे नेगेटिव साइन है, इसकी स्टीचोमेट्री 5 है, तो ब्रोमाइड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को 5 से डिवाइड करना है इज इक्वल टू, ब्रोमेट की कोई स्टीचोमेट्री नहीं है, इसको स्टीचोमेट्री से डिवाइड नहीं करना, ब्रोमेट ऑयन को की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को नेगेटिव साइन लगाना है क्योंकि ये रिएक्टेंट है, और इसके बाद हाइड्रोजन प्लस ये भी रिएक्टेंट है तो इसको भी 1/6 लिखना है, या आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ऑयन की कॉन्सेंट्रेशन को 6 से डिवाइड करना है इज इक्वल टू प्लस 1/3 डी बी आर टू अपॉन डी टी. आई एम श्योर के यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, आगे हम इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे. तो पहला, अच्छा, केमिकल किनेटिक्स के बारे में एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, केमिकल किनेटिक्स में ना न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट्स बड़ी लंबी होती हैं, पर न्यूमेरिकल इतने बड़े नहीं होते, मतलब जो सॉल्यूशन होता है दैट इज़ नॉट वेरी वेरी बिग. तो इसलिए यू डोंट हैव टू वरी, आपने घबराना नहीं है. स्टेटमेंट आपको देखो यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ी नज़र आ रही है, पर जो सॉल्यूशन है वो जल्दी जल्दी हो जाएगा. उसने कहा है कि आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें 4 अमोनिया प्लस 5 O2 रिएक्ट करके 4 NO और 6 वाटर दे रहे हैं, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO यानी NO का सिर्फ ये प्रोडक्ट है, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन 3.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड दिया हुआ है. रेट के यूनिट क्या होते हैं? मोल पर लीटर पर सेकंड. कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट क्या होते हैं? मोल पर लीटर. और रेट के यूनिट मोल पर लीटर पर टाइम होते हैं, तो टाइम में सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, तो यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है. कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर यानी ये भी निकालना है. तो चलिए हम सबसे पहले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया निकालते हैं, पर पहले हम इनको एक्सप्रेशन को पूरे को लिख देते हैं जैसे ऊपर लिखा था. रेट इज इक्वल टू माइनस 1/4 डी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन डी टी. ये 1/4 कहाँ से आया? अमोनिया की स्टीचोमेट्री 4 है तो इसको 4 से डिवाइड कर दिया, नेगेटिव साइन यानी मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, इज इक्वल टू माइनस 1/5 डी ओ टू अपॉन डी टी इज इक्वल टू, क्योंकि इसकी स्टेचोमेट्री 5 है, 4 प्लस 1/4 डी एन ओ अपॉन डी टी प्लस लगा दिया क्योंकि ये प्रोडक्ट है, एंड फिर वाटर भी प्रोडक्ट है, प्लस 1/6 इसकी स्टेचोमेट्री 6 है, 1/6 डी वाटर अपॉन डी टी. डी वाटर व्हेन आई से, तो वाटर को स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है, और स्क्वायर ब्रैकेट जो है मोलो कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है. तो इसमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO गिवन है, आपने यहाँ से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया निकालना है. देखिए NO की स्टीचोमेट्री 4 है, अमोनिया की स्टीचोमेट्री भी 4 है, तो
इसका मतलब कि अगर स्टीचोमेट्री सेम हो तो फॉर्मेशन का रेट जो है वो डिसअपेरेंस के रेट के बराबर होगा। तो इसका मतलब रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ एनओ। सो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ, दैट इज ऑल। 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया। सो सिंपल इट इज, इजंट इट? तो ये कितना सिंपल है, और न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखने से ये बहुत ही कम्प्लेक्स लगता था, पर ये बिल्कुल भी कम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हमने क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर निकालना है ना, तो हमें ये भी पता है, अमोनिया भी पता है, वाटर भी पता है। इसको इसके इक्वेट कर दो या इसको इसके इक्वेट कर दो, ठीक है, क्योंकि हमें इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन पता है और इसका रेट ऑफ डिसअपेरेंस पता है, और ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर हमने निकालना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर निकालना है। जिसको निकालना है उसको लेफ्ट साइड पे ले लिया, इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ हमें गिवन है। ठीक है, इसकी स्टीचोमेट्री 1/6 है, इसकी स्टीचोमेट्री 6 थी वाटर की, तो इसको 6 से डिवाइड कर दिया। एनओ की स्टीचोमेट्री 4 थी, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया। पर आपको 1/6 मोलो कॉन्सेंट्रेशन वाटर नहीं चाहिए, आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर चाहिए। तो 6 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर चला जाएगा, 6/4 इनटू डी एन ओ अपॉन डी टी, 6/4 और डी एन ओ अपॉन डी टी। ये रेट ऑफ फॉर्मेशन न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड गिवन है। तो 6/4 मल्टीप्लाई बाय दिस, यू गेट 5.5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज गोइंग टू योर आंसर। आई एम वेरी श्योर दिस इज वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, क्लियर है? एक और न्यूमेरिकल करते हैं। एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं। दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं, कम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं। तो एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसमें 2 स्टीचोमेट्री है, ए की बी के साथ रिएक्ट करके 3C दे रहा है। रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ सी, मतलब सी की रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रहा है 1.3 इंटू 10⁻³। मतलब जैसे इसमें 3 टर्म्स हैं ए बी सी, तो सी की उसने रेट ऑफ फॉर्मेशन दे दी मोल पर लीटर पर सेकेंड में, और आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, और इसके अलावा रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए निकालना है, यानी ये निकालना है, और एक रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चे निकालना तो बहुत आसान है। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या करना होता है, इज इक्वल टू मोलो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, और मोलो कॉन्सेंट्रेशन ए को स्टीचोमेट्री से डिवाइड करना है। ए जो कि रिएक्टेंट, आगे नेगेटिव साइन लगा दीजिए, इज इक्वल टू बी की स्टीचोमेट्री कोई नहीं है और ये रिएक्टेंट है, इसके आगे नेगेटिव साइन लगा दीजिए, माइनस डी मोलो कॉन्सेंट्रेशन बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट के अंदर सी अपॉन डी टी, इसकी स्टीचोमेट्री 3 है, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या सी की कॉन्सेंट्रेशन को 3 से डिवाइड कर दीजिए, और प्लस का साइन जो है वो ये डिपिक्ट करेगा कि सी की जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से हमने ये इसका एक्सप्रेशन लिख दिया। तो उसने कहा है रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है आपको सी का, तो सी ये है, ओके सी ये है, तो हमारे लिए जो सी है डी स्क्वायर ब्रैकेट सी अपॉन डी टी है, पर हमें गिवन है 1/3 डी सी डी टी। तो सी की एक कॉन्सेंट्रेशन जो है वो गिवन है 1.3 इंटू 10⁻⁴, ये पार्ट गिवन है। ठीक है, और हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें 1/3 भी लगा हुआ है, तो इसलिए 1.3 इंटू 10⁻⁴ को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका पहला आंसर जो है वो आ जाएगा। क्लियर है?
अब आपने रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ ए निकालना है, यानी ये निकालना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस डी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू सी की जो कॉन्सेंट्रेशन जब लिखते थे तो 3 लिखते थे, ठीक है, और यहाँ पे ए के आगे 1/2 था, वो 2 इधर चला गया, 2/3 हो गया। तो सी की मोलर कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है 1.3 × 10⁻⁴, तो यू गेट योर आंसर, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगर आपको ये अंडरस्टैंड करना है दोबारा, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ ए निकालना है, ए तो सिर्फ ए की निकालनी है, इसको लीव करना है, तो लीव करके, पर अगर नॉर्मली लिखेंगे तो 1/2 आएगा ना, ठीक है। इसको इक्वेट सी के क्यों किया है, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है डी सी अपॉन डी टी की, कितनी, 1.3 × 10⁻⁴, और ये इसका जो 1/2 था वो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर चला गया, तो सी की कॉन्सेंट्रेशन, सी की जो एक्सप्रेशन थी उसमें 3 तो था ही, तो 2/3 हो गया, उसको आप 1.3 × 10⁻⁴ जो आपको गिवन है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। पता लग गया ये 2/3 कैसे आया, ये 2 कहाँ से आया, ये 2 मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ से देखिए, ये 1/2 है ना, इसको किसके इक्वेट कर रहे हो, इसके, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है डी सी अपॉन डी टी की, तो ये 2 क्या करेंगे, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई इसके हो जाएगा, इधर चला जाएगा, 2/3 हो गया, ये 2/3, अब पता लग गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनके न्यूमेरिकल जो हैं वो करने हैं, ठीक है। वी कम टू द थर्ड न्यूमेरिकल नाउ। हाँ जी बेटा, दो न्यूमेरिकल्स करने के बाद हम जो अगला न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। स्टेटमेंट देख के घबराना बिल्कुल मत, पेपर में भी स्टेटमेंट्स केमिकल कैनेटिक्स चैप्टर की बहुत लंबी लंबी होती हैं, तो आंसर बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। तो उसने कहा है, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, कि आपके पास ब्यूटाइल क्लोराइड है C4H9Cl डिफरेंट टाइम्स पे, यानी 0 सेकंड पे, 50 सेकंड पे, 100 सेकंड पे, 150 पे, 200 पे, उसके बाद नीचे नहीं मैं लिख सकता था, फिर न्यूमेरिकल कहाँ सॉल्व करता, फिर इधर में आ गया 300 सेकंड पे, 400, 500, 700, 800। तो ब्यूटाइल क्लोराइड की C4H9Cl की कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में और टाइम सेकंड में, टाइम ओब्लिक सेकंड, टाइम स्लैश सेकंड का मतलब कि टाइम इज टेकन इन द सेकंड, C4H9Cl स्लैश मोल पर लीटर मतलब कि ब्यूटाइल क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में ली गई है, तो डिफरेंट टाइम्स पे दी गई है, जैसे जीरो टाइम पे ब्यूटाइल क्लोराइड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर है, मैं आगे अब मोल पर लीटर नहीं बोलूँगा, 50 सेकंड के बाद कॉन्सेंट्रेशन 0.0905 है, 100 सेकंड पे 0.0820 है, 150 पे 0.0741 है, 200 पे 0.0671 है, एंड सो ऑन। और ये रिएक्शन है, ब्यूटाइल क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करके ब्यूटेनॉल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रहा है, C4H9OH ब्यूटेनॉल ही होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रहा है। तो आपको कैलकुलेट करना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है, X2 − X1 / T2 − T1, है ना, X2 − X1 / T2 − T1। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला, ब्यूटाइल क्लोराइड जो कि रिएक्टेंट है तो इसके आगे नेगेटिव साइन लगाया हुआ है,
क्योंकि रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती है, तो ये T2 टाइम पे होगा, यानी X2 टाइम, X2 कॉन्सेंट्रेशन है, ये T1 टाइम पे होगा, यानी X1 कॉन्सेंट्रेशन है, अपॉन T2 अपॉन T1। अब शुरू करते हैं। टाइम जब 0 सेकंड था, ब्यूटाइल क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 थी, तो टाइम इंटरवल और एवरेज रेट हम इसका नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास एक ही कॉन्सेंट्रेशन है। क्योंकि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, X2 माइनस X1 अपॉन T2 माइनस T1, तो इसमें हमारे पास एक ही टाइम है, तो हम इसकी एवरेज रेट नहीं निकाल सकते। आगे 50 सेकंड्स पे आ जाइए, 50 सेकंड पे आ गए और इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन 0.0905 है। टाइम इंटरवल 0 से लेके 50 सेकंड तक है, यानी कि इनिशियली टाइम 0 सेकंड है, बाद में 50 सेकंड है, यानी T1 और T2 हो गया। ये T1 हो गया 0 सेकंड और 50 जो है T2 हो गया। अब हमने X2 माइनस X1 लेना है। X2 तो बाद वाली कॉन्सेंट्रेशन होती है, यानी 0.0905 यहाँ पे पुट कर दो। नेगेटिव का साइन इंडिकेट करता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, और X1 जीरो टाइम वाली कॉन्सेंट्रेशन होगी, -0.1 मोल पर लीटर डिवाइडेड अपॉन T2 माइनस T1। अरे ये वाला टाइम जो बाद वाला है 50 है, पहले वाला जो है 0 है, 50 माइनस 0। सॉल्व करोगे 1.96 इंटू 10^-4। नेगेटिव साइन नहीं लगाया क्योंकि ये इंडक्टिव ही है, दिस इज़ प्रेडिक्टेबल इन इट सेल्फ कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट की डिक्रीज ही करती है, तो जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकला 1.96 इंटू 10^-4 मोल पर लीटर पर सेकेंड निकला है, ये आंसर हो गया। आप न्यूमेरिकल को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। 50 के बाद आपके पास कौन सा टाइम है, 100 सेकेंड, 100 ले लिया। 100 सेकेंड पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.0820, 0.0820। टाइम 50 और 100, ये 50 पे थी कॉन्सेंट्रेशन, ये 100 पे, 50 to 100। अच्छा, तो जब टाइम 100 सेकेंड था तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 0.0820 माइनस, और 50 सेकेंड पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 0.0905 मोल पर लीटर। टाइम बाद वाला जो है T2 होता है, पहले वाला जो होता है वो T1 होता है। ये एवरेज रेट ऑफ फ्रैक्शन निकल गया 1.7 इंटू 10^-4। ठीक है, ये 100 तक हो गया। पेपर में यहाँ तक निकाल के लिख देना है, एंड इट कॉन्टिन्यूज लाइक दिस एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं। अब कोई बेवकूफ़ी होगा जो 150 के बाद 200, फिर 200 और 300, फिर 300, 400, 400, 500, ये सारे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालेगा। आपको ही पहला तो निकालना ही नहीं पड़ना, दूसरा निकाल दीजिए, तीसरा निकाल दीजिए और लिख दीजिए, सो ऑन। तो ये था NCERT का न्यूमेरिकल, मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। बाकी ये नोट्स आपके पास आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। एक और NCERT का न्यूमेरिकल है मेरे पास, स्टेटमेंट, ओ माय गॉड, स्टेटमेंट इज टू बिग, है ना। उसने कहा है ये रिएक्शन है, मैं सीधा आ जाता हूँ, ये रिएक्शन है 2-dinitrogen pentoxide आपको 4-nitrogen dioxide और ऑक्सीजन दे रहे हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है इन टर्म्स ऑफ, लंबा क्यों हुआ, कहता आंसर आवर्स में भी निकालो, मिनट्स में भी निकालो, सेकंड्स में भी निकालो, और NO2 का रेट ऑफ अपेयरेंस यानी रेट ऑफ प्रोडक्शन भी निकालो इस पीरियड में, ये भी NCERT का न्यूमेरिकल है। तो पहले एवरेज रेट पे आ जाते हैं। एवरेज रेट क्या होता है, इज इक्वल टू रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन N2O5 अपॉन डेल्टा टी, और स्टीचोमेट्री से डिवाइड करना है, 1/2 हो गया, नेगेटिव साइन का मतलब ये डिक्रीज कर रहा है। तो उसने इसकी दो कॉन्सेंट्रेशन दी हुई हैं, एक टाइम T1 पे दी हुई है, एक टाइम T2 पे दी हुई है। जो टाइम T1 एक टाइम T1 पे दी हुई है 2.33, और रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती है, तो टाइम T2 पे
184 मिनट के बाद, 184 मिनट के बाद कॉन्सेंट्रेशन 2.08 रह जाती है, मतलब इनिशियल मोलर कॉन्सेंट्रेशन N2O5 की 2.33 है और 184 मिनट के बाद ये 2.08 मिनट हो जाती है। तो हमने कॉन्सेंट्रेशन लिखनी होती है X2 - X1, यानी कि 184 मिनट के बाद कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज़ कर गई थी, पहले छोटी वाली वैल्यू लिखनी है, बाद में बड़ी वाली वैल्यू लिखनी है, डिवाइडेड बाय 184 कर देना है। तो आपका आंसर 6.79 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट आ गया। ये आपका आंसर मिनट में आ गया, मोल पर लीटर पर मिनट में। पर उसने कहा है कि मिनट्स में निकालिए, सेकेंड्स में भी निकालिए, आवर्स में भी निकालिए। अब मैं सेकेंड में निकालने लगा हूँ। ये वाला जो आंसर है इसको पकड़ो, ये है 6.79 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर मिनट, मिनट को मैंने नीचे ले लिया, इनटू, ये लोअर क्लासेस में सिखाते हैं, 1 मिनट हैज हाउ मेनी सेकेंड, 60 सेकेंड। तो मिनट और मिनट कट गए, सेकेंड ऊपर चला गया और ये वाली जो वैल्यू है इसको 60 से डिवाइड कर दिया, आपके पास 1.13 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। इसी तरह से आपने क्या निकालना है, पर आर में निकालना है, पर आर में निकालना है। तो फिर यहाँ से शुरू हो जाना है, 6.79 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर लिख दिया, पर मिनट नहीं लिखा, मिनट को नीचे ले गया, इन टू, क्योंकि मिनट को मिनट से काटना है, तो इन टू मिनट लिख दिया, डिवाइडेड बाय 1 आवर लिख दिया, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। मिनट और मिनट कट गए, यहाँ पे भी मिनट और मिनट कट गए थे, ये सेकंड था ऊपर चला गया था तो पर सेकंड आ गया था, ये आर था तो पर आर में आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ये NCERT का न्यूमेरिकल है बच्चे, देखने में कितना भयंकर लगता है कि देखने में लगता है कि पता नहीं कितना कबड़ा न्यूमेरिकल होगा, बट इट्स टू ईजी। और एग्ज़ाम में इतना लंबा न्यूमेरिकल नहीं आता कि वो आपको बोलें कि आप आंसर मिनट में भी निकालिए, सेकंड में भी निकालिए, आर में भी निकालिए। ये तो वो एग्जामिनर मेथडोलॉजी बताना चाहता था कि अगर आपको लोअर क्लासेस का ये काम भूल गया है कि आपके पास कोई जो कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर लीटर पर मिनट में है, उसको आर में कैसे कन्वर्ट करना है और सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करना है। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। सेकेंड में उसने कहा है फाइंड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। पहले देखो कि NO2 है क्या, प्रोडक्ट है कि रिएक्टेंट है। NO2 इस तरफ है, प्रोडक्ट है, और इसकी स्टीचोमेट्री 4 है, तो रेट इज इक्वल टू प्लस 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू। अब इज इक्वल टू रिएक्टेंट के इक्वल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन में और रिएक्टेंट की जो रेट ऑफ रिएक्शन है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, मैं निकाल चुका हूँ, 6.79 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। तो इसलिए मुझे ये जो NO2 को है N2O5 के इक्वल करना पड़ेगा, तो प्लस 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, इसकी स्टीचोमेट्री 2 है, माइनस ये रिएक्टेंट है तो ये डिक्रीज करेगा, -1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, इज इक्वल टू जो आंसर है। तो हमें तो सिर्फ ये चाहिए, 1/4 तो चाहिए नहीं, 4 इधर चला जाएगा, जैसे पिछले न्यूमेरिकल्स में कराया था, 4/2 है ना, 4 इधर चला जाएगा, ठीक है, 4 इधर चला गया, ठीक है। तो 4 को 6.79 × 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। अब आप में से कई बच्चे ये पूछ सकते हैं कि सर ये 4 इधर गया था, 4 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 आना चाहिए था। एक्चुअली हमने ये जो 6.79 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट निकाला हुआ है, वो डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा टी के लिए नहीं निकाला हुआ, इस पूरे का निकाला हुआ है, तो इस पूरे का 6.79 है, तो इसलिए इसका जो 4 था वो 6.79
इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट से मल्टीप्लाई हो जाएगा. इस तरह से यू विल बी एबल टू गेट योर आंसर. आई एम वेरी श्योर कि आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. शिल वी कॉल इट अ डे एंड नेक्स्ट आई टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच. लव यू ऑल. हैव अ नाइस डे.